आप लोगों के सामने मैं एक बड़ी सुंदर गीत और कवि की नई खोज है, पौराणिक कथा है, लेकिन आपके सामने एक नई बात ये मिलेगी भूमिका बा गाना का कि गुनहगार गम में समारो रही थी अरे वनी क्या चल था मातम का डेरा सिमट अर्चना है सशक्ति सिखा में समय बन के बलवान करती है फेरा हो गया व्योम का भास कर भी भ्रमित रोशनी बीत लमके है आती है उनकी प्रतापी थे राजा हरिश्चंद दानी झिलमिलाती रही कंचना कीर्ति जिनकी आय। राजा हरिश्चंद का नाम सुने होंगे और हरिश्चंद के विषय में दानियों में बड़े आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है, लेकिन भाई साहब इसमें आपको एक नई बात मिलेगी। तरज खेबा और तर्जवा उहे बा कि अरे हंसी हंसी के केहू बैठल बा अरे हंसी हंसी के ना कहे लू तू मुहावा चोराई के हंसी हंसी के ना कहे लू तू मुहावा चोराई के हंसी हंसी के ना कहे लू तू मुहावा चोराई के हंसी हंसी के ना कहे लू तू मुहावा चोराई के चुपचाप केहू बैठल बा हर चुपचाप केहू बैठल बा हमसे लजाई के हर चुपचाप केहू बैठल बा हमसे लजाई के चुपचाप केहू बैठल बा हमसे लजाई के चुपचाप केहू बैठल बा हमसे लजाई के हाँ। लेकिन गाना में कवि जी लिखले बाटन कि अरे जोगन जवानी जुल्म की अरे जोगन जवानी जुल्म की पहली किताब है 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 अरे कुदरत के कुछ कलम का कैसा हिसाब है कुदरत के कुछ कलम का कैसा हिसाब है कुदरत के कुछ कलम का कैसा हिसाब है कुदरत के कुछ कलम का कैसा हिसाब है। अब सुनेंगे यहीं से कहानी की शुरुआत हो। अरे करने को दिल शिकार का अरमान लिए हैं घोड़े की कर सवारी धनुष बाण लिए हैं विधि का विधान चलता न संजोग विपिन में हिरनाय हिरनी करते थे संभोग विपिन में देख कर धनुष को हाथ लेकर बाण चलाए घायल हिरण हुआ चमन वीरान बनाए मरने से पहले भूप सुन लो श्राप हमारा होई बदन में कोड़ जो ये श्राप हमारा होई है ही कोड़ ठीक जो निदान करोगे किसी के भी पुत्र का बलिदान करोगे की बात है। राजा हरिश्चंद धनुष बाण लेकर शिकार खेलने के लिए जंगल में निकलते हैं और जब जंगल में पहुंचते हैं भाई साहब देखते हैं कि हरिना और हरिनी संभोग कर रहे थे। राजा के दिल में जिज्ञासा जगल है
शिकार के उद्देश्य से धनुष पे बाण चढ़ा करके मार धलन है, और जब मार धलन है तब तक हरिणी जो है श्राप देती है, कह रहे राजा हम लोग संभोग कर रहे थे, स्थिति में हम लोगों को बाण मारे हो तो श्राप दे रही हूँ कि जाओ तुम कोढ़ी हो जाओगे। आ इतना जब श्राप देहला कि तुम कोढ़ी हो जाओगे, लेकिन समाधान भी बतौले कि किसी के भी पुत्र का, किसी के भी लड़के का अगर बलिदान कर दोगे तब तुम्हारा कोढ़ छूटेगा। ए भैया यह श्राप देहल बा, तब भयल का तो नहीं देखला, तर्ज एक बदल गई, तर्ज बाबू है बागर बढ़ा दा मास्टर यार यही रे गजवा जिया असैया भइल न से बजावा आही रे गजवा कि अरे गजवा के पीछे बर्बाद भइल राजावा यही रे गजवा जिया असैया भइल न से बजावा आही रे गजवा असैया भइल न से बजावा सुनलन राजा के हम कोढ़ी हो जाई, हरिणी के श्राप भैया जब कोढ़ी के श्राप सुनलन तो कवि यहां लिखलन कि कोढ़िया का रूप जग अन्हार हो गईलन आ सिरवा का ताज सर का भार हो गईलन। राजा जी सोचलन कि हमारा भी कोढ़ कैसे छूटी, ए भैया श्राप लगता राजा हरिश्चंद कोढ़ी हो गईलन। तो एक तरीका जो हरिणिया बतौले कि कोई लड़का जब बलिदान कर दबा कोई का पुत्र तो तुहार कोढ़ छूटी। ए भैया तो राजा हरिश्चंद ऐलान कैलन अपने राज में का कि कई लय लान राजा दी है झोला लानवा कई लय लान राजा दी है झोला लानवा कई लय लान राजा दी है झोला लानवा अरे कई लय लान राजा दी है झोला लानवा अरे वो करे बराबर दे बहीरा यो रतानवा वो करे बराबर दे बहीरा यो रतानवा वो करे बराबर दे ताज सर का भार होई गईले सिरवा का 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 ताज। हां अपने राज में ऐलान करवा दिया राजा हरिश्चंद कि जो एक लड़का अपना बलिदान करने हेतु देगा उसके बराबर में हीरा रतन मोती जवाहरात उसे दूंगा। आज अब चारों तरफ ये ऐलान फैलल बा, भाई साहब यहाँ थे तर्ज बदल गई, आ तर्जबा उहे बा कौन कि अरे झिनी झिनी साड़िया में झलक जवनिया जिया लला चाहवे ललकी ओढ़निया जिया लला चाहवे सौदा कैला आइला या बाया पने बखरिया सौदा कैला आइला या बाया पने बखरिया सौदा कैला आइला या बाया पने बखरिया हाय रे बतिया बताव सुना हमारी गुजरिया 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 बीती जई हा दुख दिन देई के लला नवा हो बीती जई हा दुख दिन देई के लला नवा चारों तरफ फैलल बा कि जे एक लड़का बलिदान करे हेतु देई राजा के
वही लड़का के बराबर हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात राजा दिहन। तो वही राज में एक बड़ा गरीब ब्राह्मण रहलन। पंडित जी सोचलन कि अगर बेटवा अपन दे थे तो हम लोगन के ओकरे बराबर जब हीरा मोती सोना चांदी मिल जाई आय हाय तो बड़ा हम लोग धनी हो जाइए, सुख से रहे लगल जाई। जा करके राजा हरिश्चंद से अपने बेटवा का सौदा तय कर लेलन। आ तय करके जब घरे अलन है अपने पंडित जी से पंडिताइन से पंडित जी कहलन तो तनी देखा वो समय का भाव का बा। तर्जवा बाकी अरे गौआ के पिछवारे चांद जब निकले, गौआ के पिछवारे चांद जब निकले, अरे चुप के सन्ना दिया के पार चली निकले। अरे गौआ के पिछवारे चांद जब निकले तो चुप के नदिया के पार चली आई हो। अरे नदिया में कि अरे नदिया में पानी बढ़ल होई राजा, नदिया में पानी बढ़ल होई रानी, नदिया में पानी बढ़ल होई रानी, नैया पहोई के सवार चली आई हाँ। नदिया में पानी बढ़ल होई, नैया पहोई के सवार चली आई हाँ। नदिया में पानी बढ़ल होई, नैया पहोई के सवार चली आई हाँ। अरे नदिया में पानी बढ़ल होई रानी, नैया पहोई के सोर चली आई हो। और अगली दुअरिया है राजा, अरे अगली दुअरिया में ताला लगल होई, अगली दुअरिया में ताला लगल होई, कूद के तू पीछे से डरवार चली आई हो। बतिया सुना गनमा में कभी लिखलन कि जब पंडिताइन सुनल बेटवा के काटे बदे कि पंडित जी वादा करके और सौदा तय के आवत हम राजा से, तो पंडिताइन का भाव का कि अरे बोली है नारी चरणमा के धई के, बोली है रानी बोली है नारी चरणमा के धई के, घरवा का दीपक ना बुझावा मोरे सजना। बोली है नारी चरणमा के धई के, घरवा का अरे घरवा का दीपना बुझावा मोरे सजना। अरे ये कही मोरे गोदिया के, ये कही मोरे गोदिया के, अरे ये कही मोरे गोदिया के बाटे सुगनवा, हे ये कही मोरे गोदिया के बाटे सुगनवा, बदला में चांद ना डुबावा मोरे सजना। एक मोरे गोदिया के बाटे सुगनवा, बदला में चांद ना डुबावा मोरे सजना। कभी हाँ टेरी लिखलन कि अरे मतारी बनी के सोचे पगली, अरे मोरे राम कि अब मतारी बनी के सोचे पगली, अरे माली लगा के गुलशन कैसे बाग उजारी, अरे उजारी अरे उजारी अरे उजारी अरे उजारी। अभी तर्जवा वह है आगल भैया जवन छठ के औरत पर औरतिया लोग गावली तनी मास्टर स्वर देदा।
लेकिन वो लड़का अपने बाप मतारी के सोच बतियावत सुन ले तो वो लड़का खुद हाथ जोड़ करके अपने बाप मतारी से कहे लगल का कि हाथ जोड़ कहे लासू गनामा माई ललना तोहर माई ललना तोहर माई ललना तोहर माई ललना तोहर हो हाथ जोड़ा कहला सुगनावा माई ललना तोहर माई ललना तोहर माई ललना तोहर हाँ अरे पैसा बदे हो जाई बाबे गनावा माई ललना तोहर माई ललना तोहर माई ललना तोहर माई ललना तोहर अरे बाबूजी के प्यारा बाटे हीरा और रतनवा बाबूजी के प्यारा बाटे हीरा और रतनवा बाबूजी के प्यारा बाटे हीरा और रतनवा करके अपने मतारी से कि माई बाबूजी धन के लालच में हमें बेचल चाहतवन हमार गर्दन बलिदान करे खातिर ते एक बात बा एक ठे तर्ज बदल गई और इस तरह जो है बा मास्टर कैसे कहत बाटी जिया इस तर्जवा बड़ा जोर से और कचाका ये समय चलत बा तर्जवा वह बा कि अरे कहत बानी भारत के जननवा हो कहत बानी भारत के जननवा हो सजनवा हमार बड़ा लहारी कहत बानी भारत के जननवा हो सजनवा हमार बड़ा लहारी कहत बानी भारत के जननवा हो सजनवा हमार बड़ा लहारी एकर अंतरा बा कि अरे बड़ा घर का लईका हवे खैले बिना टूटल बा बड़ा घर का लईका हवे खैला बिना टूटल बा बड़ा घर का लईका हवे खैला बिना टूटल बा जी नहीं हाफत बाटे पाऊ चप जुटल बा चलावे गावे गनवा हो सजनवा हमार बड़ा लहारी चलावे गावे गनवा हो सजनवा हमार बड़ा लहारी हाँ लेकिन तनी पंडित जी का बात सुन लड़का के लेकर के राजा हरिचंद के दरवाजे की तरफ महल की तरफ चल रहा ना भाव है कि अरे चल भैल पंडित ले ललनवा हो भैल पंडित ले ललनवा हो भवनवा गए भूप के तब आई चली भैल पंडित में पवले आ फिर से ऐलान अपने नगरी में करवले अरे करी है जो इनक बलिदनवा हो इन मवा के ढेर जई है पाई राजा जी के हाँ हरिश्चंद के हाँ अपन लड़का पंडित जी दे करके
ओकरे बराबर धन दौलत लेकर के घर अइलन। फिर हरिश्चंद दोबारा ऐलान के लिए अपने नगर में, अपने राज में, कि ये लड़का के जब बलिदान कर दे ओके भी ढेर सब दौलत मिली, ज्यादे रतन हीरा मोती मिली। इहो ऐलान चारों तरफ फैलल बात, एक छे तर जा गई लचारी का कवन कि अरे कौने रांगा मुंगावा कवाना रांगा मुनिया कौने फिर से हीरा और ताना की पाई हो जाई बेना, फिर से हीरा और ताना पाई हो जाई बेना, फिर से हीरा और ताना पाई हो जाई, फिर से हीरा और ताना पाई हो जाई बेना। अरे माली बन उजार करे चलला चमानावा सपनावा में ना हो सपनावा में ना करबा ललना बाली दानावा सपनावा में ना करबे ललना बाली फिर लालच पड़ गेलन कि लड़िकवा तब बेची देहली, अगर ये लड़िकवा का हम काट भी दे बलिदान भी कर दे तो और हमके धन दौलत मिल जाई। ए लालच में वो भी शर्त मंजूर करलन, वो भी सौदा मंजूर कर लिए पंडित जी। और जब जहिया बलिदान करे के लड़िका के पास जब पहुंचलन राज दरबार में है और तलवार लेकर बच्चा के गर्दन पर चलावल चाहते हैं बलिदान करे हेत, तो वो समय लड़िका रो करके एक बात कहला कैसे, अरे बन गईला तू कैसे आज कसाई आई बाबूजी, रहला एक दिन देख के दूध पियाई आई बाबूजी। अपने बाबू के हाथ में जब कटारू लड़का देखला, रो रो के कह लगल कि बाबूजी आज एकदम कठोर बन गईला, हमके बेच देहला पैसा पर और आज पैसा पर हमके काटे बदे भी चलेला। लड़का रो करके कह रहा बका कि चूम चरण के राजू बोला भरा नयन में पानी हो, माफ तू करिहा भूल चूक सब भइल जो हमसे नादानी हो, अरे दिहा कफन के लसिया पर वढ़ाई आई बाबूजी, आई है इच्छा हमारी दिहा पुजाई आई बाबूजी, ये इच्छा हमारी दिहा पुजाई आई बाबूजी, ये इच्छा हमारी दिहा पुजाई आई, आई है इच्छा हमारी दिहा पुजाई आई बाबू आई बाबू आई खराबा पापी पिता मुदैया हो, जलाद दर्द ना लाया दिल में काटा तुरत नटैया हो, अरे लिहला हथवा लहू में रंगाई आई बाबूजी, आ दिहला धन के पीछे धर्म गवाई आई बाबूजी। तनिक भी दया नहीं किया है वो बाप, अपने बेटे का गर्दन अलग कर दिया, और जब अलग कर दिया तो भाव कवि दहलन कि अरे काहे के बनवला विधि सागर के किनारा वा, अरे मैया गरी अपन घरवा उजारे, अरे खुशिया मनावा भूप छूटल कोढ़ रोगावा, भैलिया कसबाड़ी वही समय मजा धारे। जब वो लड़का बलिदान कर दिया गल भाई साहब, तो राजा हरिश्चंद का कोर तो छूट गल, लेकिन तुरंत आकाशवाणी होती है क्या कि अरे दौलत के गुमानी हो करौला सुतहा नानावा, अरे होई आजा भइल दानी दुनिया में है, अरे दानियों में नाम जेकर बाटे गुलजारे। आकाश मारी भइल करे राजा पैसा खातिर एक लड़का का कत्ल करौला,
तो जा तू ही इतने गरीब होइबा आकाशवाणी भाई, लेकिन देखे भैल का अरे दिहला दान राजा भाई उदासी नगरी अब बिकल पैसा के करनवा हो काशी नगरी। होले जग में ममता का प्रेम यो प्रीतिया बेचे राजा रोहित संग रानी के जगतिया खैली ठोकर रानी बनी के दासी नगरी अब बिकल पैसा के करनवा हो काशी नगरी। वही आकाशवाणी जोन भाई ले वही पपवा जोन बा राजा के लग गल बा कि जैसे पैसा खातिर बाभन अपन बेटा बेच दिला राजा हरिश्चंद के हाँ, तो वह आकाशवाणी वह पाप लगल कि राजा हरिश्चंद भी अपन बेटवा जोन बा दान में पैसा खातिर जोन बा बेचले बाटा काशी नगरी में कल्लू डोम के हाँ। तो लास्ट में कवि जी प्रमाण देकर एक बात लिखे कि गुरु बिहारी गुरु गणेश कवि केशव की है आशा, लिखते कवि शिव कुमार बिन माली चमन उदासा हो, मतारी बनी के सोच पगली कि अब मतारी बनी के सोच पगली, अरे तबेचन कैलाश का रखी हालात भिखारी पुजारी बनी के सोच पगली।